तीन महान आत्माओं द्वारा गढ़ा गया एक जीवन, समाज की बेहतरी को समर्पित एक जीवन, विलक्षण दूरदर्शिता से जिया गया एक जीवन, जीवन कमल नयन बजाज का। अगर किसी एक व्यक्ति को अपने दम पर एक व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करने का श्रेय दिया जा सकता है तो निस्संदेह उनका नाम है कमल नयन बजाज। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कमल नयन बजाज ने अपने विशाल व्यक्तित्व को प्रसिद्धि की चकाचौंध से हमेशा दूर रखा। गांधीवादी जमनालाल और जानकी देवी के घर 23 जनवरी 1915 को वर्धा में जन्मे कमल नयन अपने जन्म के साथ बजाज परिवार में अपार खुशियां लेकर आए, क्योंकि बच्चों को गोद लेना इस धनवान परिवार की नियति बन चुकी थी। कमल नयन बचपन से ही निडर और साहसी थे। जब वो कोई चुनौती स्वीकार कर लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे, नतीजा चाहे कुछ भी हो। उनके मन में राष्ट्र प्रेम का बीज भी बहुत छोटी उम्र में ही पड़ गया था। जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया तो बजाज परिवार ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। होली को आग दिखाने का काम 6 साल के बालक कमल नयन ने ही किया। एक बार उनके मित्रों ने उन्हें चुनौती दी कि अगर वो चाहते हैं कि वे भी खादी अपनाएं तो पहले कमल नयन वर्धा के बछराज भवन की दीवार से नीचे कूद कर दिखाएं। कमल नयन फौरन 10 फुट ऊंची दीवार से कूद पड़े। वो जीवन भर खादी के कट्टर समर्थक बने रहे। विनोबा जी के आश्रम में मिले शिक्षण और प्रशिक्षण ने कमल नयन के चरित्र की वास्तविक नींव रखी और उनके जीवन को अर्थ भी दिया और दिशा भी। कोई व्यक्ति या काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये बात उन्होंने यहीं सीखी। ये भावना उनमें जिंदगी भर बनी रही। उन्होंने ईमानदारी और दृढ़ता के गुण अपने मार्गदर्शक गांधी जी से सीखे। स्वावलंबन और सादगी की सीख अपने गुरु विनोबा से ली और नैतिकता और समाज कल्याण के लिए काम करने की धुन अपने पिता जमनालाल बजाज से पाए। लेकिन कमल नयन ने इन महापुरुषों के विचारों को पहले तर्क की कसौटी पर कसा, उनसे जिरह की और समाधान के बाद ही उन्हें स्वीकार किया। एक बार जब विनोबा ने कमल नयन से कहा कि तुम में कुछ कमजोरियां हैं, तो हाजिर जवाब शिष्य ने फौरन उत्तर दिया, अगर मेरे अंदर कमजोरियां हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर है, आप मेरे गुरु हैं, आपकी शिक्षा में जरूर कोई कमी रही होगी। सत्याग्रह आश्रम के बाद कमल नयन को पहले गुजरात विद्यापीठ, फिर अल्मोड़ा में वालजी देसाई के निरीक्षण में, पुणे के जहांगीर एंड कुंवरबाई वकील्स प्यूपिल जोन स्कूल में और सिलोन में बर्नार्ड आलू विहारे से 1 साल की शिक्षा मिली। 1936 में कमल नयन ने कैम्ब्रिज में दाखिले के लिए अर्जी दी, लेकिन विधिवत शिक्षा न होने के कारण अर्जी रद्द हो गई। कमल नयन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि जहां दूसरे प्रत्याशी छात्र बस ज्ञान अर्जित करेंगे और दुनियादारी में लग जाएंगे, वहीं कमल नयन भारतीयों और अंग्रेजों के बीच बेहतर समझ पैदा करने का काम करेंगे। हेडमास्टर के सामने दाखिला देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। लगातार स्कूल बदलते रहने का कमल नयन के मन पर गहरा असर पड़ा। वैसे तो वो बड़े खुश मिजाज थे, लेकिन अकेलापन महसूस करते थे। किसी एक जगह ज्यादा ना रह पाने के कारण वो स्थायी दोस्त बना ही नहीं पाए। स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में रहते हुए और प्रमुख नेताओं के संपर्क में आने से कमल नयन का मन ज्वलंत राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो गया। गिरफ्तारियां, जेल यात्राएं, जुर्माना, संपत्ति की जब्ती बजाज परिवार के लिए रोजमर्रा की बातें थी। 1930 में
गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा तो दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले चुनिंदा सत्याग्रहियों में 15 वर्षीय कमल नयन भी शामिल थे। इस दौरान कमल नयन ने जिन अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को कामयाबी से अंजाम दिया उनमें वर्धा, चिमूर, आष्टी के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कानूनी सहायता जुटाना और उन्हें मृत्युदंड जैसी सजाओं से बचाना भी शामिल था। इन आंदोलनकारियों में उनके चचेरे भाई राधा कृष्ण भी शामिल थे। राष्ट्र निर्माण के कार्य में उनकी भूमिका आजादी के बाद भी जारी रही। 1947 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने कमल नयन को देशी राज्यों की उपसमिति का सदस्य नामजद किया और बाद में स्वतंत्र भारत की ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। सरदार पटेल के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने दक्कनी रियासतों के भारतीय संघ के साथ विलय में अहम भूमिका निभाई। वो लगातार 3 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए जहां उन्होंने हमेशा आम आदमी के पक्ष में और उसकी जिंदगी की बेहतरी के लिए आवाज उठाई। संसद की कार्रवाई में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और औद्योगिक समस्याओं पर वो खुलकर बोलते थे। राजनैतिक और व्यवसायिक व्यस्तता के बावजूद कमल नयन एक पारिवारिक व्यक्ति थे। 30 जून 1937 को कमल नयन का विवाह सावित्री देवी पोदार के साथ हुआ। ये शादी बगैर टीमटाम और दोनों परिवारों के सामाजिक स्तर से विपरीत तो थी लेकिन बजाज परिवार के सादगी के व्रत के एकदम अनुरूप थी। स्वतंत्र चिंतक के रूप में कमल नयन ऐसा जीवन साथी चाहते थे जो उनकी बराबरी कर सके। एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली पत्नी पाने की उनकी कामना भरपूर मात्रा में पूरी हुई। सावित्री देवी दबंग, जिद्दी और किसी के आगे न झुकने वाली महिला थी। इसलिए जैसा कि सावित्री देवी ने खुद लिखा है, जब बिजली के दो जिंदा तार मिलते हैं तो यही होता है। कमल नयन में ये खासियत थी कि वो परिवार के हर सदस्य को ये एहसास कराते थे कि वो उनके लिए खास है और घर में उसकी एक अपनी जगह है। ₹1938 से 1942 का समय बजाज समूह के लिए बड़ा कठिन था। फैक्ट्रियां ठीक नहीं चल रही थी और जमनालाल अपनी अस्वस्थता और सामाजिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान देने के इरादे के चलते कारोबार संबंधी गतिविधियों से अलग हो गए थे। कमल नयन ने कैम्ब्रिज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और परिवार का कारोबार संभालने के लिए भारत लौट आए। 1942 का साल अशुभ साबित हुआ। 11 फरवरी के दिन वर्धा में जमनालाल का निधन हो गया। वे 53 वर्ष के थे। गहरे दुख से विचलित 27 वर्षीय कमल नयन को अपने कंधों पर आ पड़ी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। 1942 से 1972 के बीच का दौर राजनैतिक दृष्टि से बेहद नाटकीय रहा। आजादी की लड़ाई, ब्रिटिश राज का अंत, देश के बंटवारे की त्रासदी और पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध, यही वो हलचल भरा दौर था जिसमें बजाज समूह ने गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए कमल नयन के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक कामयाबी की मंजिलें तय की। उन्होंने अपनी कंपनियों को नया रूप और विस्तार देने का कठिन काम ही नहीं किया, देश के औद्योगिक विकास में भी योगदान दिया। वो देश के पहले ऐसे उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने टेक्निकल विशेषज्ञता के लिए विश्व की प्रसिद्ध बड़ी कंपनियों को भागीदारी बनाया, जैसे हॉलैंड की फिलिप्स और इटली की पियाजियो एंड कंपनी। कई बार उनके आलोचक
उनके गैर पारंपरिक विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, लेकिन अंत में उनके फैसले ही सही साबित होते थे और आलोचकों का मुंह बंद हो जाता था। कमल नयन के नेतृत्व में मुकुंद ने आंच उद्योग में गूंजने वाला फ्रूगल इनोवेशन का मुहावरा बहुत पहले ही प्रचलित कर दिया था। सबकी राय के खिलाफ और भारी घरेलू मांग के बावजूद उन्होंने मुकुंद आयन एंड स्टील में निर्मित इस्पात का निर्यात शुरू किया। बरसों बाद जब घरेलू बाजार में इस्पात में मंदी का दौर आया, तब तक मुकुंद का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका था और उसे अपना माल निर्यात करने में कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी। उन्होंने वाहन और बिजली के क्षेत्र में भी तब कदम रखा जब लोगों की इनमें खास रुचि नहीं थी। सस्ते वाहन और बिजली की मांग के मामले में उनकी दूरदर्शिता देश के लिए अमूल्य सिद्ध हुई। वो अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी टेक्निकल जानकारी और अनुभव साझा करने में विश्वास रखते थे। बजाज ऑटो, मुकुंद, बजाज हिंदुस्तान और बजाज इलेक्ट्रिकल्स के जरिए उन्होंने अनेक उद्यमियों को लघु उद्योग शुरू करने में सहायता दी। अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ता से उन्होंने विभिन्न व्यवसायों को बजाज समूह के छत्र के नीचे बड़ी मजबूती से ला खड़ा किया। लेकिन कमल नयन ने व्यवसाय संबंधी क्रांतिकारी विचारों को अपनी राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी भावनाओं पर कभी हावी नहीं होने दिया। इसीलिए उन्होंने व्यापार के उन क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जिनमें लाभ तो था लेकिन वे राष्ट्रहित में नहीं थे। वो टेक्सटाइल में नहीं गए क्योंकि खादी को समर्पित थे। हिंदुस्तान शुगर मिल्स होते हुए भी उन्होंने शीरे में बोतल बंद शराब बनाने की इजाजत नहीं दी क्योंकि वो मद्यपान के विरोधी थे। कमल नयन ने निष्ठा, न्याय संगति, ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर एक कंपनी समूह का सफलतापूर्वक गठन किया। इन सभी जीवन मूल्यों की नींव उनके पिता जमनालाल ने रखी थी। व्यवसायी कमल नयन अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूले। अपने पिता की तरह वो भी ये मानते थे कि कारोबार का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना ही नहीं होता, उसका संबंध समाज कल्याण से भी होता है। जमनालाल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कमल नयन ने परिवार की संपत्ति में पिता के समूचे हिस्से से जमनालाल बजाज सेवा ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अकाल और बाढ़ पीड़ितों को राहत जैसे कल्याणकारी कार्यों के लिए भी सहायता दी। विनोबा के महान ग्रंथ गीताई की चिरस्थाई बनाने और अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने वर्धा में अद्वितीय गीताई मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में न कोई छत है न ही कोई प्रतिमा, फिर भी जैसा सुकून यहां है वैसा और कहीं नहीं। कमल नयन ने 1 मई 1972 की आधी रात को अहमदाबाद के राजभवन में शांति से अंतिम सांस ली। साबरमती के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। संयोग की बात है कि इसी धाम से उनकी शिक्षा और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई थी। यशस्वी पिता के विख्यात पुत्र, सुयोग्य सांसद, दूरदर्शी व्यवसायी, सच्चे राष्ट्र प्रेमी और इन सब के ऊपर सत्यनिष्ठ व्यक्ति कमल नयन बजाज की धरोहर अनवरत और अक्षुण है।